का ताल्लुक है ये मोहताज तारुफ नहीं, हमारे जिला लैया की एक एनर्जेटिक नौजवान कयादत हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी के हैसियत यानी कारकुन की हैसियत ये पहले जिला लैया के सदर रहे हैं और आजकल जो है डेरा गाजी खान डिवीजन के जनरल है। तो काजी साहब जो है अवाम के मसाइल हल करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए इनको हमने अपना तकलीफ दी है, हमने इनको गुजारिश की है कि आप आए हमारा, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो सिर्फ अवाम की बात है, अवाम के मसाइल की बात। तो इन्होंने जो है हमारी दावत कबूल की और ये तशरीफ लाए, मैं इनका एक दफा दोबारा शुक्रिया अदा कर। शुक्रिया जनाब राणा सुल्तान महमूद अख्तर साहब। और दूसरी बात ये है कि जनाब काजी साहब जो है आप यहाँ तशरीफ लाए हैं तो आज इनसे जो है अवाम के मुतालिक जो हमारे सवालात हैं वो मैं काजी साहब के सामने पेश करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है कि आईनी इस्लाहात के लिए जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी बड़ी मुतहरक है, तो क्या अवाम हमारी जो है अवाम का भी इस आईनी तरमीम से कोई बेनिफिट है, उनको भी कोई मफाद है, क्या ये अवामी मफाद में है? तो इसके बारे में मैं जनाब का हिसाब से ये गुजारिश करता हूँ कि वो हमें ये बताएं कि ये आईनी पैकेज जो है या ये आईनी अदालत जो है या ये अदलिया की जो इस्लाहात हैं इसमें अवाम का कहाँ तक फायदा है जनाब का हिसाब। लैया टीवी HD इस स्टूडियो में मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ की इंतजामिया का, अब्दुर्रहमान फरीदी साहब का और राणा सुल्तान महमूद अख्तर साहब का, कि उन्होंने इंतहाई शफकत फरमाई, मुझे वक्त दिया इस अहम मरहले में जब पाकिस्तान की पार्लियामान एक बहुत ही बड़े पार्लियामानी जिसे कहते दस्तूर को मजीद मुस्तहकम करने के सिलसिला से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अहम दिन पर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज के रोज हम 26वीं तरमीम जो है वो दस्तूर में करने जा रहे हैं, सेनेट में तो इसे पेश कर दिया गया है, यकीनन सेनेट के बाद कौमी असेंबली से भी ये दस्तूर की जो 26वीं तरमीम है ये पास हो जाएगी। इस तरमीम में कुल 22 तरामीम शामिल है जिसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इस वक्त महसूस किया है कि एक जो बैलेंस था 18वीं तरमीम में, उसके बाद 19वीं तरमीम जब दस्तूर में हुई है तो वो बैलेंस खत्म हो गया और फिर ताकत जो है वो एक ऐसे पलड़े में चली गई है कि जहां वो आईन की बालादस्ती और पार्लियामान की बालादस्ती जमहूरियत के तसलसल को आगे बढ़ने के लिए जो मौके दरकार होते हैं उनके रास्ते में मज़ाहम हो रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि आज के रोज पाकिस्तान के जमहूर पसंद और आईन पसंद तमाम अवाम को आज की तरमीम जो है वो मुबारक। तो ये सर जो है तब जो तरमीम है ये तो इंशाल्लाह जो है आपने कहा कि वो हो चुकी है, हो जाएगी, तो इसमें जो है इसका ज्यादा है ये भी है ना कि भी जो वहां हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो आम आदमी के जो मसाइल थे या उनके जो केसेस थे वो केसेस पर जो है ना वो ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी, तो अब ये अलहदा जो है ना एक मतलब है कि आईनी बेंच जो है वो सिर्फ भाई सियासी मामला जो है वो उधर डिस्कस हो, तो इसके बारे में आप सब क्या? ये आपने खुद ही फरमाया है, राणा साहब हमारे उस्ताद हैं और यकीनन इनकी बड़ी गहरी
नजर होती है, इस वक्त जो तरमीम हो रही है वो इसलिए भी हो रही है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसमें जो आम आदमी के केसेस हैं, जो सिविल केसेस हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो अदालत जो है वो उसने आम आदमी के जो मामला जो अपीलों में वहां जाते हैं वो बहुत ज्यादा पेंडिंग। और मैं समझता हूं कि एक चीफ जस्टिस जैसे साकिब निसार साहब आए, उन्होंने डैम बनाना शुरू कर दिया, कोई ऐसी जो मामलात हैं कोई भी चीफ जस्टिस आता है तो वो उसको जब तक उसका उसकी तैनाती मुअसर अंदाज में नहीं होगी तो यकीनन इसमें जो है हमें ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो मजाक बना देते हैं एक पार्लियामान का, जमहूरियत का, आईन का। वो ये समझते हैं कि एक आदमी जो एक कोर्ट में बैठा है तो वो ये समझता है कि पाकिस्तान की जो एक जुमला आबादी है उसके नुमाइंदों को एक मिनट में फारिग किया जा सकता है, जिस तरह 58 भी कभी काम करती थी। उसके बाद अदलिया को जब ये 19वीं तरमीम हुई तो अदलिया को जब एक ताकतवर इदारे की हैसियत हासिल हुई है तो उस वक्त फिर ये किरदार जो है अदलिया ने अदा करना शुरू कर दिया कि आप मुझे पसंद नहीं है इसलिए आप चले जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की जमहूरियत जब तक मुस्तहकम होगी, और जमहूरियत उस वक्त मुस्तहकम होती है जब पार्लियामान मुस्तहकम, जब पार्टियां आपस में बैठ के गुफ्तगू करती हैं, जब कोई आम आदमी के बारे में सोचा जाता है, देरपा मसाइल होते हैं। जैसे अभी मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, यकीनन अभी जो राणा सुल्तान मुद साहब ने अपना फरमाया है कि महंगाई है, तो महंगाई के बारे में यकीनन कोई जमात, कोई पार्लियामान की हुकूमत जो है उसको एक 5 साल मिलते हैं कि 5 साल में आपने अपना टाइम फ्रेम देना है, अपने मामलात, अपने माहदे करने हैं, आपने इसकी जो अपना इक्तसादी मामलात हैं इसको ऊपर उठाना है, आम आदमी की हालत इजार बेहतर करनी है। तो यकीनन उसमें अगर एक कदम लगाने वाला इदारा मौजूद हो और वो ऐसे ही सुअर मोटो के इख्तियार इस्तेमाल करके वो अपने पार्लियामान को मजाक बना दे तो यकीनन ये रास्ता रुक जाए। जी काजी साहब जना यही फरमा रहे थे, काजी साहब का जो जहन है वो यही था, वो ये बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए, यानी उनके जो केसेस जो हैं वो जो कई सालों से जो है वहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इनका जो अक्सर मकसद ये है कि वो अलहदा जो है अलहदा केसेस भी सुने जाएं और इधर जो है ना ये मामला जो है सियासी जो है ये भी आ जाए। और दूसरी बात यह है कि वे भी फरमा रहे थे कि वाकई बात सही है कि महंगाई जो है और उसने जो गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है, तो अगर वहाँ मामला दुरुस्त होंगे, अगर हमारी अदलिया जो है उसके अंदर ये आपस में जो है इनका जो चपकलेश है या आपस में जो इनकी ग्रुपिंग है तो ये वहाँ अगर ये कम होगी तो फिर हमारे आम आदमी के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। तो अब ये मैं दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि साथी ये आपकी जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है आम आदमी के लिए या आवाम के लिए जो है इसकी जो खिदमात है या इसकी जो जिद्दोजहद है वो बिल्कुल वाकई बात सही है कि मिसाल है। अब ये दुनिया के अंदर जो है इसकी भी नजर होनी चाहिए कि जनाब हमारा जो फलस्तीन के अंदर जो गजा के अंदर जो इतना जुल्म बर्बरियत हो रही है और इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट में भी पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है उसका नुमाया किरदार है, तो इसके बारे में मैं काई साहब से पूछना चाहता हूं कि आपका जो है इस मामले में फलस्तीन के मामले में क्या किरदार है पीपल पार्टी का। जी मैं ये समझता हूं कि फलस्तीन जनाब यासिर अरफात और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक जो हार के दाने हैं वो समझे जाते थे और फलस्तीन से पीपल्स पार्टी का उतना ही ताल्लुक है जितना वहाँ एक
जिहाद करने वाले का या वहां के एक आम बशिंदे का ताल्लुक है। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा फलस्तीन से मोहब्बत की है और उसकी आजादी के लिए हमने हमेशा जिद्दोजहद हम जितनी कर सके हैं हमने की है। अभी आपने योम गजा के दिन आपने महसूस किया होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद जो अपना दीगर सियासी जमातें थी उनके साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट किया है और हमने ही ये गोलबेज कॉन्फ्रेंस जो है वो हमने वजीर आजम साहब को कहा कि आप इस मौजू पर फौरी तौर पर एपीसी बुलाएं और उन्होंने बुलाई। एपीसी में एक जमात के अलावा जी जो मैं नहीं समझता कि वो अभी नामौजूद है, जमात अभी उसको ज्यादा जो है तरबियत की जरूरत है, उसके अलावा तमाम सियासी जमातें वहां गई हैं और बहुत सारे वहां फैसले किए गए हैं और यकीनन ये फैसले जिसमें पाकिस्तान की सफारतकारी को तेज करने की कोशिश को सराहा गया है और हुकूमत के सामने एक कमीशन बनाने की भी दरखास्त की गई है कि जो फलस्तीन की आजादी की जिद्दोजहद तेज करने की खातिर दीगर ममालिक में वो जाएगा और वहां जाकर उनके लिए राह हमवार करेगा। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस एपीसी में ये तय करवाया कि हम हकूमत के साथ हैं जिस किस्म का भी हकूमत फैसला करे, और तमाम सियासी जमातें जिनमें जेयूआई शामिल थी, एमकेएम शामिल थी, दीगर सियासी जमातें शामिल थी, वो मून के साथ उन्होंने मिलकर एपीसी का जो ऐलानिया जारी हुआ है उसमें ये बातें तय की गई, यानी पीटीआई के अलावा बाकी सारी जमात। जी बिल्कुल बिल्कुल जरियल, ये बात पीपल पार्टी जो है ना वो मतलब ये है कि वो गजा के जो मजलूम लोग हैं उनके लिए जो है इनकी जो कोशिश है वो बिल्कुल वाकई सही है कि काबिले कदर है। अच्छा साहब ये बताएं कि ये जो आपने जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये वाकई एक अच्छा प्रोग्राम है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि एशिया के अंदर जो है एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आम आदमी को, आम घराने को, आम बीबी को, आम बहन को, आम भाई को, आम माँ को, तमाम को ये बेनिफिट हो रहा है। लेकिन इसकी जो है यहाँ आप ये बताएं कि जिला लहिया के अंदर जो है बेनजीर इनकम प्रोग्राम जो है उससे कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और फिर इसकी जो तकसीमें कार है उसके अंदर जो है बहुत सी शिकायत हैं और बहुत से सेंटरों पर जो है ना वो मतलब बेतुकीरी होती है और मामला जो है वो मतलब काफी दिगर गु है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल? असल में ये जो प्रोग्राम है बिस्त जिसे कहा जाता है ये तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत जो मिनिस्ट्री है उसके तहत इसको जो है लॉन्च किया गया था। तो अब भी ये पॉवर्टी डेवल्यूशन के जो अपना सिस्टम में ये जो इदारे आते हैं उनमें ये बहुत बड़ा इदारा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर किसी भी घर की खातून को हम एम्पावर करेंगे तो यकीनन हम एक अच्छी कौम तख्लीक करने में कामयाब हैं, क्योंकि अगर खातून खाना जो है जो पाकिस्तान में इंतहाई मजलूम तबकात में शामिल है, मजलूम इसलिए कहा जाता है कि उसके हाथ में अपनी आजाद मईशत बहुत कम है। तो हमारा ख्याल ये था, बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो मिशन था और उनका जो विजन था उसके तहत हमने ये जरूरी समझा कि खातून खाना को हमने एम्पावर करना है और यकीनन ये प्रोग्राम तो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। अभी हमने पिछले दिनों जो है सुबह फिर में जी हमने कोई 13 लाख घरों को हमने वो जो है हमने उसके जो मलकियती हकूक थे हमने वो तफवीज किए हैं, वो हमने खवातीन को उसका मालिक बनाया और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जब तक गुर्बत खत्म नहीं होगी
जब तक पाकिस्तान की खातून को उसकी मईशत जो है वो डेवलप नहीं होगी, तो उस वक्त तक हमारी जो जमहूरियत है वो यकीनन हम बहुत पीछे रह जाएंगे और जमहूरी रवैयों के लिए जमहूरी वोट को जो है क्या कहा जा सकता है कि उसको ताकत बनाने के लिए यकीनन हमें तालीम की जरूरत है, हमें अच्छे अच्छी मईशत की जरूरत है, हमें गुर्बत से निकलना है, हमें शौर हासिल करना है और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुसलसल काम कर यकीनन यहाँ हजारों खवातीन लैया में भी इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रही। अब जहां तक राणा साहब आपकी बात है कि हर जो प्रोग्राम है उसमें शफाफियत दिन ब दिन बेहतर करने के लिए हुकूमत हमेशा कोशिश करती है जी। अभी हमारा ये जो प्रोग्राम था ये पहले नादरा के साथ अटैच नहीं था जी, तो यकीनन बहुत सारी खवातीन ऐसी उसमें शामिल थी जो मकसद के एक बड़े घराने की और अपना वो अमीर घराने की खवातीन उसमें शामिल थी। जो ही हुकूमत ने नादरा को इसके साथ अटैच किया है तो तमाम डेटा जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ गया है, तो उस डेटा जुड़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी पैदा हुई हैं, बहुत सारी जो है वो आसानियां भी पैदा हुई हैं। यकीनन हम एक अगली जनरेशन में दाखिल हुए हैं इसमें इस प्रोग्राम की शफाफियत के लिहाज से, तो इस नादरा के साथ इसको अटैच करने से जी अब जो लोग जिनके घराने के लोग मुख्तलिफ जायदादें रखते थे उनके जो अकाउंट्स हैं और उनका जो हवाई सफर जो मामलात हैं वो भी सामने आए, तो यकीनन बहुत सारे लोग जो इस प्रोग्राम से नाहक मुस्तफीद हो रहे थे तो वो इस प्रोग्राम से निकाले जाए नए लोगों को इसमें शामिल किया। ये यकीनन एक डेवलपमेंट हो रही है तो इसमें काफी सारा प्रॉब्लम भी आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि मैंने देखा है कि खवातीन जो है वो जो अपने वजीफे की वसूली के लिए जाती हैं उस पर भी हमारे बहुत सारे तजुर्बात हुए जी। अब शुरू शुरू में हमने सिमें जारी की हैं, सिमों से भी हमें प्रॉब्लम आया जी कि वो मुस्तहिक लोगों की बजाय कोई और इस्तेमाल कर जाता था, तो इसी तरीके से फिर हमने जो है इस प्रोग्राम को हम गए ले गए एटीएम कार्ड पर, तो एटीएम कार्ड पर भी इसका प्रॉब्लम आया है। और अब जो तरीकाकार हमने वजह किया था ये जो पंजाब में, तो मेरा ख्याल है ये जो हबीब बैंक है इसकी ओमनी जो है वो इसको चला रही थी, तो उसकी जो फ्रेंचाइज है वो भी बिस्प के साथ तावन से लोगों को जारी की जाती है। अब इसके बावजूद भी चूंकि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है इसमें बहुत ज्यादा रश पैदा हो जाता है तो लोग शॉर्ट कट ढूंढना शुरू कर देते हैं। कई लोग हमारे पास आ जाते हैं सुबह सवेरे, देखे जी भाई हम आपकी बहने हैं हमें वहां से नहीं मिल रहा। तो भाई बात यह है कि जब आप कतार में खड़े होना ही पसंद नहीं करेंगे तो फिर आप किस तरीके से पाकिस्तान की जो है वो आप जमहूरी सत्ता को ऊपर ले जाएंगे। कोई भी शख्स बेशक वो गरीब है कोई अमीर है, मैं ये समझता हूं कि वो आज तक कतार में खड़े होने से कतरा है। ये मुआशरे की राणा साहब उस्ताद हैं इस मुआशरे के। मैंने जो सीखा है कि जब तक हम किसी भी काम के लिए अपना वक्त खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो तो यकीनन हम कोई इंकलाबी नहीं बन सकते, हमें कतार में खड़े होना पड़ेगा। और कतार में जब तक लोग कतार में खड़े होंगे किसी की जरूरत नहीं किसी से पैसे नहीं। जब भी आप खुद जो खवातीन है, मैं आप उन खवातीन को कह रहा हूं जो खवातीन इस प्रोग्राम से मुस्तफिद होती है, उदारा आप इंतजार किया कीजिए, कोई ये एक दिन में पैसे खत्म नहीं होते, आपको जाना पड़ता है तो आप वहां कतार में खड़े।
कतार में जो शख्स खड़ा होगा अगर उसकी बारी आने पर उसको नहीं मिलेगा तो यकीनन हुकूमत और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका मुहासबा करें। भाई साहब बिल्कुल बहुत अच्छी आपने जो है वजाहत कर दी है कि इस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेहतरी के लिए जो है ना वो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो कोशा है और इंशाल्लाह ताला ये जो तमाम शिकायतें हैं ये तमाम और मसाइल हैं तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। दूसरी बात ये है सर कि काश साहब हम जो है अरसा यहाँ अरसा दराज से यहाँ पर हमारा जो लहिया का जो मसला रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जिला लहिया एक नुमायाँ डिस्ट्रिक्ट है तालीमी लिहाज से भी और हर लिहाज से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मेरिट बनता है, लेकिन हमारा जिला लहिया जो है उसको डिवीजन नहीं बनाया जा रहा, जबकि जो है ना ये जो इन्होंने साहिवाल को जो बनाया है वहां सिर्फ उकाड़ा और पाकपतन दो जिले लगाकर इन्होंने उसे डिवीजन बनाया नवाज शरीफ साहब ने। इसी तरह परवेज इलाही साहब आए तो उन्होंने गुजरात बनाया मंडी बहाउद्दीन को हाफजाबाद को लगा के दो जिले उन्होंने डिवीजन बना दिया। अब हमारे पास कोई इतना बड़ा जो है नवाज शरीफ या परवेज इलाही तो जिला लहिया में पैदा नहीं होगा, तो यहाँ पर हम आम लोग जो हैं जो आप जैसे दोस्त हैं सारे भाई हैं तो हम 8 साल से जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि जिला लहिया को उसका हक मिलना चाहिए। तो आप जो है पीपल पार्टी की जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है तो वो नून लीग की और विरो पार्टी की मुश्तरका गवर्नमेंट है, आपका एक बड़ा किरदार है, तो आप इस बारे में जो है ना हमारी जो है इस मामले में आप जिला लहिया के 24 लाख आवाम के लिए जो है ना आपके क्या जज्बात है? ना साहब मैं सबसे पहले तो मैं लहिया का बाशिंदा हूं और लहिया की धरती का बेटा होने के लिहाज से मुझ पर इसका कर्ज है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा महरूम तबकात की बात की है, यकीनन अपर पंजाब में बहुत सी शख्सियात हैं डोमिनेंट हैं और ऐसी डोमिनेंट प्रमिनेंट जो शख्सियात हैं यकीनन वो बहुत कुछ एक लम्हे में तब्दील कर सकती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब का जो अपना एक बड़ा मसला है वो खुद यहाँ का जब तक सूबा अलहदा नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई मसला हल हो सकता। दूसरी बात यह है कि लहिया डिवीजन के लिहाज से यकीनन लहिया का जो जुग्राफिया है वो हमेशा से लहिया मोतबर रहा है और लहिया को यूनान कहा जाता है। मैंने ये लफ्ज जो है उस्ताद मोहतरम के होते हुए इस्तेमाल किया है, यूनान इस लिहाज से कहा जाता है कि लहिया में ब्रेन है जी। हम किसी भी लिहाज से अपर पंजाब के किसी भी जिले से हम कम नहीं। मैं ये समझता हूं कि लहिया में जितने लोग आला एजुकेशन हासिल करने की इस्तेदाद रखते हैं और इस्तेदाद रखते हैं उसका मुकाबला अपर पंजाब भी नहीं कर सकते। तो ये मैं समझता हूँ कि आपकी जिद्दोजहद एक दिन रंग लाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है। अभी मेरे 2-3 रोज में शायद कल परसों मेरी मुलाकात है गवर्नर साहब से, मैं यकीनन आपकी करारदाद जो है मैं उनको पेश करूंगा और मैं उनके तवसुत से ये लाजमन अपने जो रफकाए कार हैं और हकूमत तक मैं भिजवाने के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला लाजमी कोशिश करूँ। जी काश साहब नौजवान क्यादत हैं और मैं इनसे उम्मीद रखता हूँ, बल्कि मैं तो अपने जिला लहिया के या पूरी दुनिया में जितने भी शागिर्द हैं 8 साल से जो है जब से मैं इधर जो है ना मुलाजमत से जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो मेरा एक ही मुतालबा एक ही ख्वाहिश है कि जिला लहिया जो है इसका जो मेरिट बनता है, अब देखो 1772 किलोमीटर जो रकबा है लाहौर का वो 1772 किलोमीटर है और उसकी आप तरक्की भी देखें और हमारा 6291 मुरबा किलोमीटर है और हमारी पसमानदगी भी देखें, तो इसलिए जो है काई साहब ने जो है मेरा हमारी हौसला अफजाई किया और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि काई साहब अपना तमाम असर इस्तेमाल करेंगे
और अपने तमाम दोस्तों को जो है ना ये जिला लहिया को डिवीजन बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। अच्छा भाई साहब, इसी तरह हमारा ये जो मसला है जो लहिया तौसा पुल जो है ना ये बना हुआ है, सर बन तो गया है, तो यहाँ जो है इफ्तिताह भी किया था नवाज शरीफ साहब ने, तो ये बन गया है, लेकिन उसकी जो अप्रोच रोड है वो सर अभी तक नहीं बनी, और उसका फंड भी जो है ना सर वो 2022 के बाद जो उसका फंड भी जारी नहीं हुआ। तो आप जो है ना अपना जाती तौर पर जो है ना आप गवर्नर साहब से या अपना जाती असरों को इस्तेमाल करके आप जो है जिला लहिया के ये इस मसले को भी हल करें कि ये जो है ना यहाँ से यानी कि ये लाहौर से जब शुरू होगा तो जोब तक जाएगा 676 किलोमीटर के दरमियान कोई डिवीजन भी नहीं और फिर यहाँ रबता भी नहीं, तो ये जो लहिया तौसा पुल है तो ये हमें जो है और दूसरे तमाम बैन सूबाई जो है वो हमें शुरू से रबता जो है वो हमारा हो जाएगा। तो आप इस बारे में साथी आप क्या फरमाएंगे? मेरी गुजारिश ये है कि ये मैं आप मुझे इसको जो है ना एक तो मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से करारदाद पास करवाऊंगा और दूसरा जो है आप प्रेस क्लब की तरफ से भी एक करारदाद मुझे पास करवा दें। मैं ये समझता हूँ कि शाजिया आबिद साहबा हैं हमारी मखसूस सीट पर एमपीए हैं, मैं उनके थ्रू जो है ये मामला जो है असेंबली में उठा, मैं इंशाल्लाह ताला मोशन वहां से मूव करवाऊंगा और इसकी इंतहाई जरूरत है, आप मुझे ये करारदाद की सूरत में दें, मैं यकीनन वो बाजी जो है हमारी शाजी आबिद साहब हमारी बहन है, मैं उनसे जो है ये इसका मोशन मूव करवाने की कोशिश करता हूँ और यकीनन ये होना चाहिए और ये मैं इंशाल्लाह ताला अगली नशिस्त में जब यहाँ बैठा हूंगा तो ये मैं इंतहाई मुसरत से बात कर रहा हूँ कि ये मोशन मूव हो गया होगा। बहुत मेहरबानी सर, आपने बहुत अच्छी जो है ना हमारी बिल्कुल आपने हौसला अफजाई फरमाई है। अच्छा ये है सर कि अब जो है ना हमारा जो इस प्रोग्राम का जो टाइम है वो सर क्योंकि इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो आप इस मौके में इस मौके पर जो है अवाम की बात जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं अवाम को, सर आप अपना मैसेज दें इस कौम को, इससे कौन सी बातें आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई पूरे इक्तसादी दौर से गुजर रहा है और मौजूदा हुकूमत करने के शौक में नहीं आई है। मैं समझता हूं कि ये एक जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली है और इस जिम्मेदारी का मतलब ये है कि हम 2028 तक इक्तसादी जो प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की बुरी और गिरी हुई मईशत है हम इसको उठाकर इसके पैरों पर खड़ा कर दें। मैं अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और दीगर सियासी जमातों की जानिब से नून की जानिब से आपको ये यकीन दिलाता कि पाकिस्तान यकीनन आगे की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की जो बेसिक नीड्स हैं वो पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं वो हमने इक्तसादी बुनियादें खड़ी करनी शुरू कर दी हैं, हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मुल्क की इक्तसादियात की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और ये उस वक्त होंगी जब पाकिस्तान की हुकूमत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान की हुकूमत मुस्तहकम होगी तो पाकिस्तान की अवाम मुस्तहकम होगी और यकीनन पाकिस्तान की अवाम मुस्तहकम होगी तो हमारा पूरी दुनिया में एक नाम होगा। इस वक्त हम सी पैक पर दोबारा काम शुरू कर रहे हैं, इस वक्त हम दुनिया भर के ममालिक को पाकिस्तान में लाकर यहां पर उन्हें तैयार कर रहे हैं कि वो आए और यहां सरमायाकारी करें। अभी पिछले दिनों सऊदी अरब का एक बड़ा वफद आया है पाकिस्तान में, अभी रूस का जो अभी एससीओ हुई है यकीनन उस दौरान रूस का एक बहुत बड़ा वफद यहाँ आया है और चीन का बहुत बड़ा वफद यहाँ आया है, पाकिस्तान का में उज़्बेकिस्तान का बहुत बड़ा वफद आया है, शंघाई तावन तंजीम का यहाँ इजलास होना तो एक नेमत था लेकिन उस की पेशरफ्त में पाकिस्तान यकीनन आगे बढ़ रहा है। आपको यकीन करना चाहिए, यकीनन
हमारी ये हालत तब्दील होने वाली है। हम एक रोशन मुस्तकबिल और रोशन सुबह की नवीद लेकर आगे बढ़ेंगे और यकीनन आपको इस वक्त तकलीफ गवारा करनी होगी। मुझे आपको अच्छे मुस्तकबिल के लिए राणा साहब को, इस टीवी प्रोग्राम की इंतजामिया को, हम सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी है, इस्तेहकाम दिखाना है और यही इस्तेहकाम हमें पाकिस्तान को मजीद तामीर करने में यकीनन आला किरदार अदा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सामीन हाजरीन, हमारा ये जो प्रोग्राम है उसका टाइम क्योंकि इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो मैं जनाब काजी एहसानुल्लाह खान साहब, एडवोकेट साहब का जो जनरल सेक्रेटरी हैं डिवीजन डेरा गाजी खान के, उनका फिर दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए और इंशाल्लाह हम आइंदा भी जो है ना इनको इंशाल्लाह तकलीफ देंगे और ये जो है इनसे तवक्को रखेंगे कि ये इस तरह जो है ना हमारे साथ जो है ना कौम के साथ ये जो अवाम की भलाई के काम हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मिशन है, हमारा जो इस यानी अवाम की बात का जो सिर्फ मकसद है वो सिर्फ ये है कि हम अवाम के मसाइल को उजागर करते हैं और फिर अरबाब अख्तियार तक उनको पहुंचाते हैं और फिर हम उनको परसू करके उनको हल कराने के लिए अपनी तमाम तवानाइयां, अपने तमाम दोस्तों की तवानाइयां हम इस्तेमाल में लाते हैं और इंशाल्लाह फीडबैक भी हमें मिलता है। तो मैं खास तौर पर इस प्रोग्राम को जो सुनने वाले दोस्त हैं, जो हमें लाइक भी करते हैं, जो हमें कमेंट्स भी करते हैं, जो हमें मुफीद मशवरे देते हैं, जिनकी वजह से जो है ना ये हमारा जो प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह ये हजारों की तादाद में जो है हमारे जो दोस्त हैं वो हमें जो है वो कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है आपकी मोहब्बतों का मैं बहुत मशकूर हूँ। और आखिर पर मैं जनाब प्रोड्यूसर जनाब अब्दुर्रहमान फरीदी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमें ये माहौल मुहैया करते हैं और इनकी जो है ना ये कोशिश जो है ये अवाम के मसाइल के हल करने में बहुत मामलक इंशाल्लाह साबित होगी। तो मैं अब आपसे जो है इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।